देखिए गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगा रहे थे ये लोग, गांडे अहिल्यापुर ताराटार थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है साइबर अपराधियों की। बता दें कि साइबर अपराध के खिलाफ लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ गिरिडीह से संवाददाता आलोक रंजन जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई चल रही है साइबर अपराधियों के खिलाफ, लगातार चल रही है और 10 साइबर अपराधियों को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया है। जी जी अनिल, बिल्कुल, जैसे कि हम अपने दर्शकों को लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं, लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं कि गिरिडीह में पुलिस की लगातार कार्रवाई साइबर अपराधियों के खिलाफ हो रही है। और आज की गिरफ्तारी, 10 गिरफ्तारी की बात करें तो कुछ ही दिनों के अंतराल में करीब 120 साइबर अपराधियों को अभी तक गिरिडीह में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सभी साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर या अन्य किसी माध्यम से लोगों को चूना लगाने का प्रयास कर रहे थे। और इनके पास से अगर देखा जाए तो अब तक करीब 296 मोबाइल, 310 सिम कार्ड, कई एटीएम पासबुक, चेकबुक, कई गाड़ियां और कई लग्जरियस गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। और इस दरमियान गिरिडीह पुलिस ने करीब 229 सिम को बंद भी कराया है। और अभी हमारे साथ गिरिडीह के एसपी श्री दीपक कुमार शर्मा भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों की बात गिरिडीह के एसपी से करवाएं। जी 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 नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। सर देखिए, कहा जाए कि साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लगातार हम लोग खबर चलाते हैं चैनल के माध्यम से लगातार, और देखिए 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। किस तरह से ये बैंक अधिकारी बनकर किस तरह से ये चूना लगाते हैं लोगों को? देखिए, गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से साइबर क्राइम को गिरिडीह जिले से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में जहां भी ऐसी कोई सूचना मिलती है कि कोई साइबर अपराधी किसी व्यक्ति को ठगी करने का प्रयास कर रहा है, हमारी टीम तुरंत सक्रिय होती है और मेरे दिशा निर्देशन में उनके जो है छापामारी टीम जाकर के छापामारी करती है, उनकी गिरफ्तारी करती है और उन्हें जेल भेज जाता है। इसी क्रम में वो कई मामलों में ये कन्फेस करते हैं कि कई बार वो मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर, कभी बिजली बिल कट जाने का झांसा देकर, तो कभी उनको ये कहते हैं कि आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा, कभी वो कहते हैं लोन दिलवा दूंगा। तो ऐसे विभिन्न माध्यम है जिसके माध्यम से आम लोगों को झांसे में लेते हैं और उनसे फिर वो ठगी करते हैं और एक बड़ी रकम ठगी करने के बाद उसी पैसे को ऐसो आराम में उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने लगभग अभी पिछले 3 माह के दौरान 13 लाख रुपए लगभग नगद जब्त भी किए हैं और कई महंगी गाड़ियां भी जब्त की है। सर देखिए, यहाँ से गांडे अहिल्यापुर ताराटार थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन साइबर अपराध जिस तरह से गिरिडीह में है, कई अन्य जगहों पर भी लगातार आपकी छापेमारी हो रही है। जी जी, ऐसा अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में गिरिडीह में साइबर अपराधी का स्थान, अपराध जो करने का स्थान है वो 10वें नंबर पर है और लगभग 2% इस अपराध में योगदान है गिरिडीह जिले का। परंतु इस 2% को मैं नहीं देखता हूँ, मैं इसे अपराधी के रूप में देखता हूँ कि अगर एक भी अपराधी साइबर की अपराध जो है गिरिडीह जिले से करने का प्रयास करेगा या करेगा तो पुलिस उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। और ऐसा देखा गया है कि अभी इसको डायरेक्ट सीआईडी की तरफ से मॉनिटर भी किया जा रहा है और सीआईडी की तरफ से प्रतिबिंब नामक एक पोर्टल बनाया गया है जिससे जिसके माध्यम से साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी करना पहले से काफी सहज भी हो गई है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका सर शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे देखिए, दर्शकों को बता दें एक बार फिर कि साइबर अपराधी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और ये साइबर अपराधी देखिए अलग अलग हथकंडे अपनाते तो है ही, लेकिन बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाते हैं और भोले भाले लोग इस इनकी बातों पे आ जाते हैं और उसके बाद ये बड़े रकम, मोटी रकम अपने बनाते हैं। अपना ये गैंग इस तरह का है कि साइबर अपराधियों का एक तरह से गैंग है जिसमें गिरिडीह पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गांडे अहिल्यापुर ताराटार थाना क्षेत्र में से गिरफ्तारी हुई है और एक तरह से कहा जाए कि बड़ी कार्रवाई हुई है साइबर अपराधियों के खिलाफ़।